उत्तराखंडी भाई बहनियों, आज मैं तुम्हारे लिए एक नई वीडियो लेकर आ रही हूँ। वीडियो में कुमाऊनी और गढ़वाली बोल भाषा के बारे में जानकारी छ। पूरी वीडियो देखिया तबे तुमसे पता चलो उत्तराखंड में लोग आपस में जब बात करना तो कसके करना। वीडियो हिंदी में है जिससे कि सभी को पता चल जाए और सभी लोगों को समझ में आ जाए, इसलिए मैंने वीडियो को हिंदी में बनाया है। आपने देखा होगा मैं अधिकतर उत्तराखंड के बारे में आपके लिए नई नई जानकारी लेकर आती हूँ, और इस बार भी एक नई जानकारी लेकर आई हूँ। वीडियो में क्या है पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आज मैं उत्तराखंड में बोले जाने वाले बल और ठेरा के बारे में बात करने वाली हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। पहला, आज मैं आपके लिए लाई हूँ दो शब्द बल और ठेरा के बारे में जानकारी। आखिर ये कुमाऊं और गढ़वाल में बल और ठेरा क्यों बोला जाता है और ये क्या है। लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं बल और ठहरा के बारे में। आखिर ये है क्या बल और ठहरा। चाहे हम लोग कितने भी बड़े शहर में चले जाएं, लेकिन हम लोग बात करते समय बल और ठहरा का प्रयोग जरूर कर देते हैं। चाहे कितने बड़े शहर में चले जाएं, और कोई भी उत्तराखंडी है अगर वो किसी बड़े शहर में रहता है लेकिन वो बात करते समय कभी न कभी बल और ठहरा का प्रयोग जरूर करता है, जिससे कि वो पहचाना जाता है कि ये पहाड़ी है। और हम इसी के द्वारा हम लोग पहचान सकते हैं कि अरे ये पहाड़ी है। अब सवाल ये उठता है कि बल और ठहरा आखिर है क्या। हिंदी में बल का मतलब होता है ताकत, लेकिन गढ़वाली और कुमाऊनी में बल और ठहरा एक तकिया कलाम है जो कि पहाड़ी लोग बोलते समय, अपनी बातचीत करते समय, आपस में बोलते समय बल और ठहरा का प्रयोग करते हैं। जैसे ऊ शून्य सकन बल, इसमें संदेह प्रकट हो रहा है, यानी बल का प्रयोग संदेह प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। जैसे हम किसी से पूछ रहे हैं तुम्हार गोरु ब्यारो बल, यानी संदेह प्रकट हो रहा है कि गाय ब्यारी है, तो आपकी गाय ब्यारी है बल। और कहानी जब हम किसी को सुनाते हैं तो उस समय भी बल और ठहरा का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक राज छो बल, एक रानी छी बल, इस तरह बल का प्रयोग यहाँ किया जाता है। जैसे आप कहेंगे रमा की शादी हो रही बल, अरे मुंशियारी में तो बड़ा ठंडा हो रहा बल, कमला तो कह रही थी लौकी सस्ती हो रही बल। और सबसे बड़ी बात, आप जब किसी से बात करेंगे तो बल शब्द लगाएंगे तो आपसे कोई नहीं पूछेगा कि कहाँ से सुना तुमने और कहाँ कैसे पता लगा तुम्हें, वो खुद पर खुद अंदाजे लगा लेंगे कि इन लोगों ने कहीं से सुना है। अब दूसरा शब्द है ठहरा। ठहरा और ठहरा ये दो अलग शब्द हैं। ठहरा का मतलब होता है ठहरना, जो कि हिंदी में ठहरा यानी ठहरना, और ठहरा कुमाऊनी और गढ़वाली का तकिया कलाम है जो कि वो अक्सर बात करते समय बीच बीच में ठहरा का प्रयोग करते हैं, मतलब ठहरा का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग आपस में बात कर रहे हैं और किसी से पूछ रहे हैं, हम कह रहे अरे हम तो थोड़ा करके ठहरे, तुम कहाँ के हो, ऐसे करके ठहरा का प्रयोग किया जाता है। तो पहाड़ों में बहुत ठंडा हो रहा बल, वहाँ पर रुद्रपुर में बहुत गर्मी हो रही ठहरी, इतनी गर्मी में कौन जाने वाला ठहरा वहाँ, इस तरह आपस में बात करेंगे, क्योंकि ये एक कुमाऊनी लोगों का तकिया कलाम है। दिल्ली में तो गर्मियों में लू चलने वाली ठहरी, हमारे रीति रिवाज तो बहुत अच्छे होने वाले ठहरे, इस तरह बात करते हैं पहाड़ी लोग, कुमाऊनी लोग और उत्तराखंडी लोग। अरे हाँ सुनो तो, मैं एक बात कहना तो आपसे भूल गई, आपको तो मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगने वाला ठहरा है ना, तो अच्छा लगने वाला है ठहरा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बल, इस तरह बल और ठहरा का प्रयोग करते हैं। और ये बल और ठहरा जो उत्तराखंड के लोगों का तकिया कलाम है, ये सुनने में बड़ा ही मजा आता है। अब मैं भी यहाँ पर अपना वीडियो समाप्त कर रही हूँ, अगले वीडियो में मिल जाऊंगी एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार पहला।